सोनसरैया अभयारण्य के क्षेत्र के किसानों ने घेरा कलेक्ट्रेट, अभयारण्य हटाने की मांग की, किया चक्का जाम। शिवपुरी जिले की करहरा तहसील के सोनसरैया अभयारण्य क्षेत्र के किसान रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां कलेक्टर के नाम मिलने पर कलेक्ट्रेट के गेट पर बैठकर करीब 3 सैकड़ा किसान भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सोनसरैया अभयारण्य समाप्त करने की मांग को लेकर अब लाभबंद नजर आ रहे हैं, बड़े आंदोलन की बात कर रहे हैं। अभयारण्य क्षेत्र में 32 ग्राम पंचायतों के किसान परेशान हैं। सोनसरैया वर्षों से नहीं दिखी है और अब विलुप्त मानी जाती है। अभयारण्य क्षेत्र में कई प्रतिबंध लागू होते हैं जो परेशानी की वजह बन रहे हैं। जमीनों की खरीद फरोख्त पर रोक, सड़कों पर रोक के साथ अनेक प्रतिबंधों के चलते किसान परेशान हैं। करहरा विधानसभा में चुनाव में हर बार यही मुद्दा मुख्य होता है, लेकिन चुनाव जीतने वाला प्रत्याशी मुद्दे को भूल जाता है। अब किसान लामबंद दिखाई दे रहे हैं और यह आंदोलन उग्र रूप भी ले सकता है। एडीएम ने ज्ञापन लेने की बात कहकर मनाने का प्रयास किया, लेकिन किसान कलेक्टर से मिले बगैर जाने को तैयार नहीं है। अब किसान कह रहे हैं कि आज हम कलेक्टर का इंतजार करेंगे और फिर कलेक्टर को हमसे मिलने का इंतजार करना पड़ेगा। किसान कलेक्ट्रेट से निराश वापस आकर माधव चौक चौराहे पर चक्का जाम कर रहे हैं। वहीं एसपी किसानों के बीच पहुंचे और उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? कृष्णा रावत। आज आपने धरना प्रदर्शन किया है, किस वजह से किया? सोनसरैया अभयारण्य क्षेत्र को हटाने के लिए ये धरना प्रदर्शन यहाँ पे किया गया है। कलेक्टर साहब को ये 32 गांव के किसान ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं और कलेक्टर साहब बोलना है यहाँ पर प्रशासन का कि वो यहाँ पर अवेलेबल अभी नहीं है। हमारा सवाल ये है कि जब हमने सूचना दी थी पहले तो फिर अवेलेबल क्यों नहीं है? यहाँ पे 32 गांव की जो ग्राम पंचायतें हैं वो सभी सरपंच अपना ठहरा प्रस्ताव लेकर के आए, वो जो सरपंच है ना उन सभी को लेकर। अच्छा, यदि नहीं सुनवाई होती है तो आगे क्या होगा? आगे देखिए, आंदोलन उग्र हो जाएगा, हमारे हाथ में भी नहीं रहेगा। वर्षों से समस्या बनी जी, समस्या ये पूरे 40-42 साल हो गए इसको। 1981 में ये सोनसरैया अभयारण्य क्षेत्र घोषित किया गया था। दुर्भाग्य इस बात का है कि वहाँ वन विभाग की जमीन नहीं है, इसके बावजूद भी सोनसरैया अभयारण्य क्षेत्र घोषित किया हुआ है किसानों की जो भूस्वामित्व की जमीन है। क्या क्या परेशानी आती है वहाँ पर? देखिए, पेट्रोल पंप नहीं खुल सकता, सड़क के लिए एनओसी नहीं मिलती है, वहाँ धान का सबसे अच्छा क्षेत्र है, वहाँ कोई भी फैक्ट्री कोई भी इस टाइप का कुछ भी नहीं हो सकता, वहाँ किसान अपने खेत से जब मिट्टी नहीं उठा सकता। अच्छा कलेक्टर साहब, अगर यहाँ आपका ज्ञापन लेने नहीं आते तो आप क्या करेंगे? हम यहीं बैठे हैं तब तक, आखिर कब तक नहीं आएंगे? जैसे अगर 2 दिन तक नहीं आता तो 2 दिन तक नहीं? हाँ जी बिल्कुल बैठे हैं, 2 दिन बैठे हैं। आपने किसी बंडा नेता का जिक्र किया था जी? हाँ, वो तो गांव-गांव में फैले हैं, है ना। क्या होता है कि समस्या क्या होती है कि जब कोई आम आदमी अपनी समस्या लेकर के खड़ा होता है ना, तो हजारों प्रश्न चिन्ह उस पर लगाए जाते हैं। क्या है कि अभी तक जितनी भी जो भी पार्टियां हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, तो सभी जो 32 गांव का जो सर्कल है उसमें एक ही चीज़ पर ये लोग वोट मांग के आते हैं कि इस बार हमें वोट दे दो, हम सोनसरैया अभयारण्य क्षेत्र हटवा देंगे। और सोनसरैया क्षेत्र अभयारण्य क्षेत्र हटवाएंगे, हमें वोट दो, और जब बन जाते हैं तो कोई पलट के पूछता नहीं है कि सोनसरैया कहाँ गई। आपको नहीं लगता कि स्थानीय विधायक को आपके साथ होना चाहिए? स्थानीय विधायक को होना चाहिए एक अलग बात, लेकिन हम ये कह रहे हैं जब वो वोट मांगने गए थे तब उन्होंने कहा था हमारे साथ क्यों, हमसे पहले होना चाहिए था उनको, तो हमारी तो जरूरत ही नहीं थी इधर आने की। क्या इसको लेकर विधानसभा प्रश्न भी उन्होंने लगाया है? किसने लगाया? किसने लगाया? कब लगाया? उनका कहना था कब लगाया ये हमने। ये छोड़िए साहब, ये सब बेतुकी चीजें हैं। क्या होता है मैं बताऊं आपको, आम आदमी जब उग्र होता है ना तो इन नेताओं की अपनी राजनीति खतरे में दिखती है, फिर वो कहते हैं मैंने ये किया मैंने वो किया, ये करते धरते कुछ नहीं है। अगर ये करते धरते